प्रदूषण की रियल टाइम इन्फॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, स्काईमेट वेदर में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश पलावत। यह है देश भर का मौसम अपडेट और पूर्वानुमान। तो पहले देखते हैं कि वेदर सिस्टम क्या है। जो लो प्रेशर एरिया था, जो आपने देखा था उड़ीसा के तट पर था, वो अंदर आकर के छत्तीसगढ़ के आसपास आ गया है और उड़ीसा के आसपास है, मतलब ये अंदर की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है और ये और आगे आएगा और नॉर्थ छत्तीसगढ़ के ऊपर आ जाएगा। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान पर है, वहाँ से जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ है वो आप देखिए इस तरह से आगे आ रही है, हरियाणा दिल्ली के आसपास, उत्तर प्रदेश, इस लो प्रेशर एरिया के से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। एक तरफ रेखा ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों तक आ रही है जिसके कारण बारिश हो रही है। एक तरफ रेखा है जो दक्षिण राज्य ये गुजरात से लेकर के केरल तक जा रही है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन असम के ऊपर बना हुआ था, वो अब हट चुका है। तो अब आपने देखा कि काफ़ी दिनों के बाद बारिश की गतिविधियाँ शुरू हुई हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश में। और अगर मानसून पर नज़र डालें तो मानसून जो 8% नीचे पहुंच गया था 2-3 दिन पहले, अब जो 2-3 दिन से बारिश हो रही है उसके कारण जो ये जो डेफिशिएंसी कम होकर के केवल 2% रह गई है पूरे भारत की। दक्षिण प्रायद्वीप को सबसे अच्छी बारिश मिली है, 29% ज़्यादा बारिश मिली है। मध्य भारत को सामान्य से 2% कम बारिश मिली है। हालांकि आप कह सकते हैं कि 2% तो बहुत कम मार्जिन है और बाकी इलाके सूखे हैं, पर क्या हो रहा है कि पूर्वी मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, इन सारे इलाकों में भारी बारिश है और महाराष्ट्र में भी भारी बारिश हो रही है। तो ये सारा जो एवरेज है इसको पूरा कर दे रहा है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान, ये राजस्थान के ज़्यादातर इलाके, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सूखे हैं। लेकिन ये जो डेफिशिएंसी है इसको ये एरिया कवर कर रहा है, इसीलिए ये आपको 2% दिख रही है। और नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत 10% कम बारिश है इस इलाके में और पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत में 15% की कमी है। अब हम शुरुआत करते हैं उत्तर भारत से। तो अभी पहाड़ी इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ अच्छी रहेंगी, काफ़ी बढ़िया रहेंगी हिमाचल और उत्तराखंड में। पंजाब, हरियाणा और जो उत्तर प्रदेश है इसके उत्तरी जिलों में ही हल्की फुल्की बारिश रहेगी, बाकी इलाके लगभग शुष्क बने रहेंगे। लोकलाइज्ड वेदर एक्टिविटी कमी हो जाती है, उस तरह की वेदर तो। लेकिन 26 तारीख से जो बारिश की गतिविधियाँ लगातार बढ़ना शुरू हो जाएंगी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यानी ये जो पूरा वेंड है यानी कि गंगा के मैदानी क्षेत्र में, इस इलाके में भारी बारिश की संभावना है। यानी 26, 27, 28 और 29 4 दिनों तक जो बारिश की गतिविधियाँ हैं लगातार रहेंगी। दिल्ली में भी बीच बीच में अच्छी बारिश रहेगी, लेकिन दिल्ली में क्या होता है कि एक बार लगातार झमाझम बारिश होती है उसके बाद मौसम शुष्क हो जाता है, तो इस तरह की वेदर एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के ये पूरा हिस्सा जो है काफ़ी अच्छी बारिश देखने वाला है। उड़ीसा में अच्छी बारिश जा रही थी, अब धीरे धीरे कमी आएगी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश रहेगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज भी बारिश की गतिविधियाँ ठीक ठाक रहेंगी, कल से थोड़ी सी कमी आएगी और उसके बाद 2 दिनों के बाद एक बार फिर पूरे मध्य प्रदेश को और पूर्वी राजस्थान को अच्छी बारिश मिलेगी। दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात में भी लाइट टू मॉडरेट रेन और थंडर शावर होने की संभावना हमें नज़र आ रही है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में आपने देखा कि जो बारिश की गतिविधियाँ थी बहुत ज़्यादा भारी हो रही थी, यानी कि विदर्भ, मराठवाड़ा और ख़ास करके साउथ मध्य महाराष्ट्र, महाबलेश्वर में आपने देखा था 594 मिलीमीटर की अति भारी बारिश परसों देखने को मिली थी। तो वो बारिश की गतिविधियाँ अब कमी आई है, अब धीरे धीरे, क्योंकि ये जो वेदर सिस्टम ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा तो यहाँ का मॉइस्चर जो है वो हट जाएगा और जो पुल अफेक्ट था जब ये लो प्रेशर एरिया इस जगह था तो ये पुल अफेक्ट था, तो यहाँ से जो मानसून सर्ज तेज हो रही थी वो कमज़ोर पड़ जाएगी। तो मुंबई से लेकर के रत्नागिरी तक बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी, महाराष्ट्र के पूरे महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। तेलंगाना में जो भारी बारिश की गतिविधियाँ जारी थी उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी, मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा, 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश ही देखने को मिलेगी। और जो दक्षिणी प्रायद्वीप है यानी कि आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियों में बहुत ज़्यादा कमी आएगी, यानी कि मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा, हल्की फुल्की बारिश जारी रहेगी। लेकिन पश्चिमी तट अभी भी एक्टिव रहेगा क्योंकि पूरे मानसून में इस इलाके में बारिश होती रहती है, जो अरब सागर से हवाएं आती हैं। तो तटीय कर्नाटका और केरल में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, कर्नाटका में ज़्यादा होंगी, केरल में थोड़ी सी कम होंगी, लेकिन बारिश लगातार जारी रहेगी इस सारे इलाकों में। और घाट इलाके जो हैं यानी कि उससे जो लगे हुए घाट के इलाके हैं उस इलाके में भी बारिश की गतिविधियाँ अच्छी रहेंगी। तमिलनाडु शुष्क रहेगा, अंडमान और निकोबार आइलैंड में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी,
और लक्षद्वीप में लगभग शुष्क मौसम रहेगा, बहुत हल्की बारिश देखने को मिलेगी। तो मानसून 26 तारीख से एक बार फिर उत्तर भारत में सक्रिय होने वाला है, उसका इंतजार करें और उसके बाद हम देखते हैं कि बारिश कितनी होगी। हम आपको लगातार अपडेट करेंगे स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।